अभ्यास 3B। पहला प्रश्न, किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्त अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य ज्ञात करने से पहले इसके बारे में कुछ मूलभूत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति और प्रकार। हम दैनिक जीवन में निम्नांकित प्रकार की बातें सुनते और कहते रहते हैं, जैसे कक्षा में शिक्षार्थियों की औसत ऊंचाई 140 सेंटीमीटर है, फैक्ट्री के मजदूरों की औसत मासिक आय 4,000 रुपये है। इसका मतलब ये हर मजदूर की आय 4,000 नहीं है, किसी की 4,000 से ज्यादा हो सकती है और किसी की 4,000 से कम हो सकती है। या फिर किसी खिलाड़ी द्वारा खेले गए मैचों में रनों का औसत 50 है। इसका मतलब ये नहीं कि हर मैच 50 रन बनाता है, किसी मैच 50 से कम भी बना सकता है और किसी मैच 50 से ज्यादा ही बना सकता है। लेकिन जब उसका औसत निकाला गया, मतलब उसमें अधिकांशता मैचों में लगभग 50 के आसपास ही रन बनाए हैं, तो ये सभी प्रतिनिधि संख्याएं हैं जो समूह की ना तो न्यूनतम मान वाली संख्याएं हैं और ना तो अधिकतम मान वाली। निश्चित ही ऐसी संख्याएं अपने समूह के मध्य या उसके आसपास की संख्याएं होती हैं। औसत एक ऐसी संख्या है जो आंकड़ों के एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को दर्शाती है, क्योंकि औसत सबसे अधिक तथा सबसे कम मूल के आंकड़ों के बीच में होता है। इसलिए औसत आंकड़ों के एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है। केंद्रीय प्रवृत्ति से यहां अभिप्राय उस संख्यात्मक माप से है जो प्राप्त आंकड़ों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है। जो हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे होती हैं वो हमारी 3 प्रकार की होती हैं। पहली है समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन, दूसरी है माध्यिका या माध्यक, और तीसरी है बहुलक। समांतर माध्य बराबर होता है सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। यानी समांतर माध्य वह मान है जो दिए हुए पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो शिक्षार्थियों के प्राप्त अंकों का समांतर माध्य ज्ञात करना है ना। तो समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर 5 शिक्षार्थियों गणित की परीक्षा में ये अंक प्राप्त हुए थे, 40, 50, 68, 70, 72, ये पद हो गए। तो इनके सभी अंकों का योग निकाल लेंगे तो, और कितने, 1, 2, 3, 4, 5 बार है, तो पदों की संख्या हो जाएगी 5 और इन सभी का योगफल। तो प्राप्त अंकों का समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, 40 प्लस 50 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 72, 1, 2, 3, 4, 5 है। अब हम योगफल निकाल देंगे, 2, 8, 10 की 0 हंसी लगी 1, 7, 1, 8, 7, 15, 15, 6, 21, 21, 5, 26, 26, 4, 30। तो हो जाएगा 300 बटे 5, 5 छक्का 30, 60। तो प्राप्त अंकों का औसत हो जाएगा 60। फिर किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76, 94, 100, 105, 110, 103, 81, 86 रुपए है। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसको भी इसी तरह निकाल लेंगे, मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य बराबर मजदूरों की मजदूरी बटे मजदूरों की संख्या। तो यहां पर इन सभी का योगफल निकालेंगे और उसमें मजदूरों की संख्या या ये जो संख्या है इनको गिनेंगे कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है, तो 15 का भाग दे देंगे। यानी समांतर माध्य बराबर पदों का योग, इन सभी का योगफल, और सभी का योगफल करेंगे तो आगे निकलेगा 1320, और 15 का भाग कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पद और फिर बारंबारता, पद 4, इसकी बारंबारता 3 है,
मतलब ये है जो पद चार है वो हमारा 3 बार आया, 6 की 12 अंबर तो 4, यानी पद 6 4 बार आया। जैसे अभी हमने देखा था ये मजदूरों की संख्या है ना, तो कितनी मजदूरी मिलती है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 110 1 बार आया, 110 2 बार आया, यहाँ पर 110 की 12 अंबर तक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पर 8 की 12 अंबरता 2 है, 10 की 12 अंबरता 2 है। तो जब पद और 12 अंबरता दी गई हो तब हम आंकड़ों का समांतर माध्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं? तो हमें ये सारणी दी गई है, पद 12 अंबरता, पद को हम एक्स से लिखते हैं, 12 अंबरता को एफ से, इसका प्रतीक। तो सबसे पहले पद में 12 अंबरता गुणनफल निकालते हैं, यानी पद गुणा 12 अंबरता, पद यानी एक्स गुणा एफ। तो 4 में 3 का गुणा करेंगे, 4 3 12, 6 में 4 का 6 चौके 24, 8 में 2 का गुणा 8 दूनी 16, 10 में 2 का गुणा 10 दूनी 20, 12 में 6 का गुणा 12 72, 14 में 8 का गुणा करें 14 8 112। फिर यहां पर ये 12 अंबरता है, एक हमारा चिन्ह होता है, इस चिन्ह को बोलते हैं सिग्मा, और सिग्मा का अर्थ होता है योग। सिग्मा क्या अर्थ होता है, योग। तो यहां पर जितने भी पद हैं यदि सिग्मा लगा दिया तो उन सभी पदों का योगफल निकल आएगा। तो यहां पर हमारा हो गया सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब हो गया इस 12 अंबरता के सभी पदों का योगफल, यानी 3 4 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 6 17, 17 8 25। तो यहां पर टोटल निकल आएगा 25, ये योगफल। सिग्मा का अर्थ क्या होता है, योगफल। अब यहां पर एक्स गुणा एफ निकाला, या एफ इंटू एक्स बोल सकते हैं, सिग्मा एफ इंटू एक्स, यानी ये जो गुणनफल किया गया इस गुणनफल का योग। तो इसको भी योग कर लेते हैं, तो 2 4 6 6 12 13 14 15 16, 16 की 6 हंस लगी 1, 1 2, 2 4 1 5, 2 7, 7 14, 1 15 की 5 हाँ से लगी 1 1 और 1 2। तो यहां पर पद गुणे 12 अंबरता के सभी पदों का योगफल निकला 256। अब जो समांतर माध्य का सूत्र है, जब हमें 12 अंबरता दी गई हो, बराबर होता सिग्मा एफ एक्स, एफ गुणा एक्स बटे सिग्मा एफ, ये हमारा सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स, यानी इसका जो गुणनफल आया उन सभी का योगफल एफ एक्स का। तो यहां पर योगफल कितना निकला, 256। सिग्मा एफ 12 अंबरता का योगफल है ना, तो ये है 25। तो 256 में 25 का भाग करेंगे तो 25 से कम 25, 6 में जाए 0 दशमलव 25 दूनी 50, 10 100 हो जाएगा, 25 चौक 100, तो 10.24 ये हमारा समांतर माध्य निकलेगा। फिर अगला है चौथा, शिक्षार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में, 140 147 148 189 ऊंचाई दी गई है, 12 अंबरता, मतलब 140 सेंटीमीटर की ऊंचाई 3 बच्चों की है, 3 शिक्षार्थियों की है, 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई 10 बच्चों की है, 10 बच्चे ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। तो उपर्युक्त आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो जिस तरह इसके पहले ये वाला सवाल लगा है उसी तरह इसको भी लगा लेंगे, x ऊंचाई में हो जाएगी, 12 अंबरता f हो जाएगी, 140 में 3 का गुणा करेंगे तो 420, 147 में 4 का गुणा करेंगे, इस तरह 128 से 5 का गुणा करेंगे, फिर 12 अंबरता का योगफल निकालेंगे, फिर इन दोनों का जो गुणनफल आया है उसका योगफल निकालेंगे, और हमारा सूत्र लग जाएगा लास्ट में आंकड़ों का समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो हमारा आंसर निकल आएगा। फिर दक्षता अभ्यास 3, पहला, किसी परीक्षा में एक कक्षा के 15 शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में से प्राप्तांक निम्नवत है। शिक्षार्थी 15 शिक्षार्थी हैं तो पदों की संख्या वही 15 हो जाएगी, और ये जो शिक्षार्थियों के प्राप्त अंक हैं 100 में से,
इन सभी का योगफल निकल लेंगे। तो ये हो जाएगा पदों का योगफल, और पदों की संख्या हो जाएगी 15। तो इन सभी को जोड़ करके उसे 15 का भाग दे देंगे तो हमारा समांतर माध निकल आएगा, यानी समांतर माध बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सभी शिक्षार्थियों के प्राप्त अंकों का योगफल बटे शिक्षार्थियों की संख्या, इन सभी का योगफल निकाला, निकला हमारा 600 बटे 15 यानी कि 40। 10 बालिकाओं के भार में क्रमशः इतने किलोग्राम है, इनके भारों का समांतर माध ज्ञात कीजिए। तो भारों का समांतर माध बराबर इन सभी बालिकाओं के भारों का योगफल बटे बालिकाओं की संख्या। तो इन सभी का योगफल कर देंगे और उसमें 10 का भाग कर देंगे तो हमारा समांतर माध निकल आएगा। सवाल, निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, उनके भार का समांतर माध ज्ञात कीजिए। तो यहां भार दिया गया है 40, उसकी बारंबारता 4 है, भार 42, बारंबारता 12 है, तो इसको भी हल करते हैं। तो भार को एक्स में मान लेंगे, बारंबारता फ्रीक्वेंसी एफ में मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, भार और बारंबारता गुणनफल निकालेंगे, यानी एफ इंटू एक्स। तो 40 चौक 160, 12 दूनी 24 की 4 हंस लगी 2, 12 चौक 48 तो 2 50, फिर 18 54 की 4 हंस लगी 5, 18 चौक 72 5 77, फिर 44 में 10 का गुणा करेंगे 440, और 45 में 6 45 2 90 39 27 270 निकल आएगा। तो भार में बारंबारता का गुणनफल किया। अब सिग्मा, सिग्मा यानी योगफल, और किसका योगफल करना है, एफ यानी बारंबारता का योगफल। 4 12 4 16, 16 4 20 6 24, 10 34, 34 10 44, 44 6 50, तो योगफल निकला गया हमारा 50। अब एफ एक्स का योगफल यानी सिग्मा एफ एक्स, 4 4 8, 6 7 6 13, 13 7 20, और 4 24 की 4 हंस लगी 2 2 1 3, 5 8 7 15 4 19 20 21, तो 2148। तो हमारा समांतर माध ज्ञात करें, समांतर माध का सूत्र होता है समांतर माध बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। और यहाँ पर एफ एक्स कितना है, 2148 बटे 50। तो 50 का भाग कर देंगे, 50 चौक 214 बचेगा, 148 हो जाएगा। तो 50 दूनी 100 48 बचेगा, 50 नम्मा 450, फिर 30 बचेगा 300 हो जाएगा, 50 छक्का 300, तो आंसर आ जाएगा हमारा 42.96। फिर निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध ज्ञात कीजिए। ऊंचाई दी गई है और उसकी बारंबारता दी गई है, तो हम फिर उसी तरह निकालेंगे, एक्स मान लेंगे, बारंबारता एफ हो जाएगी। नीचे दी गई तालिका में किसी क्षेत्र के एक वर्ष में विभिन्न खाद्यान्नों उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों का पाई ग्राफ निरूपण कीजिए। तो आंकड़ों का पाई ग्राफ निरूपण या व्यत्ररेखा बनाने के लिए हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा कि ये जो उत्पादन हो रहा है उसका केंद्रीय कोण कितना है। तो केंद्रीय कोण या त्रिज्यखंड का कोण है ना, ये हमें ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का कोण बना था अनाज ऑब्लिक दाल उत्पादन बटे कुल उत्पादन गुणे 360, केंद्र पर बनने वाला कोण। तो कुल उत्पादन निकाले, 4 4 8 6 14 10 24 25 26 10 36, तो कुल जो उत्पादन निकला वो हमारा निकला 36 लाख टन में। अब त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात करना है, तो ये मक्का, मक्का के लिए क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का कोण हो जाएगा अनाज या दाल उत्पादन, ये हमारा 4 है मक्का, कुल उत्पादन हमारा 36 है गुणे 360, 36 से कम 36 दहम 300, 10 चौक 40 अंश, ये 40 अंश का कोण बना, इस तरह ये भी 4 है तो ये भी 40 अंश का कोण बनाएगा।
छः, तो हो जाएगा 6/36 × 360, 36 में 36, 36 दाम 360 अंश। फिर आएगा गेहूं का केंद्रीय कोण 10, कुल उत्पादन 36 × 360, 36 में 36, 36 दाम 360, 10 दाम 100। और यहाँ पर धान के लिए 12, कुल उत्पादन 36 × 360, ये 10 बार जाएगा, 12 दहम 120। यदि इन सबको जोड़ेंगे तो कुल कोणमा 360 निकलना चाहिए। 0, 4, 4, 8, 6, 14, 15, 16, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13। और एक दो और एक तीन, तो संपूर्ण को कमन 360 अंश। रविवार के दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपयों में नीचे दी गई है। ब्रेड 320 रुपये में, मीठा बिस्कुट 120 रुपये में, नमकीन बिस्कुट 160 रुपये, पेस्ट्री 80, अन्य 40 में। त्रिज्यखंडों के केंद्रीय कोण ज्ञात करके सारणी बनाइए और सारणी का प्रयोग करके पाई चार्ट खींचिए। तो हम केंद्रीय कोण ज्ञात कर लेंगे, पहले इन सबका योगफल निकालेंगे। योगफल निकलेगा 720। तो ब्रेड का केंद्रीय कोण बराबर ब्रेड की बिक्री 320 बटे कुल बिक्री 720 और गुणे 360। इसी तरह मीठा बिस्कुट की, नमकीन की निकाल लेंगे और पाई चार्ट खींच देंगे।